नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं स्पीच से 190। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि यदि आपको सूखी खांसी आ रही है और ठीक नहीं हो रही है तो उस केस में आप कौन से सिरप का प्रयोग करें ताकि आपको बेटर से बेटर रिस्पॉन्स मिल सके। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटे का आइकन आएगा उसे प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए वीडियो ताकि उनको भी लाभ मिल सके। दोस्तों इस तरह के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और हमने अपने चैनल पर 2-3 सिरप्स का रिव्यू भी किया था जिनमें आप बताया था कि अगर आपको बलगम वाली खांसी आ रही है तो कौन से सिरप का प्रयोग करें या फिर अगर आपको सूखी खांसी आ रही है तो आप कौन से सिरप का प्रयोग करें ताकि आपको बेटर से बेटर रिस्पॉन्स मिल सके। तो आज हम आपके लिए जो प्रोडक्ट लेके आए हैं ये सूखी खांसी के लिए है कि अगर आपको सूखी खांसी आ रही है और बलगम नहीं आ रहा है तो उस केस में अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो काफ़ी बेटर रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। दोस्तों इसका नाम है रेस्पायरा डी सिरप जो होता है पेटेंट होता है और इसकी जो कंपनी है जीनो कंपनी से मैन्युफैक्चर करती है। एक तो आता है प्लेन रेस्पायरा जिसका प्राइस 25 रुपये है, वो तो आपकी गीली खांसी के लिए है, लेकिन ये जो रेस्पायरा डी है ये आपका आता है सूखी खांसी के लिए। तो अगर आपको सूखी खांसी आ रही है और बहुत दिनों से आ रही है, ठीक नहीं हो रही है, तो आप रेस्पायरा डी सिरप का प्रयोग करिए, काफ़ी बेटर रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ में आप टोरेक्स टैबलेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। टोरेक्स टैबलेट के साथ में आपको कोप या लीकोप टैबलेट का प्रयोग करना है दोनों टाइम सुबह शाम, और जो रेस्पायरा डी सिरप का प्रयोग करना है इसको आपको तीनों टाइम प्रयोग करना है, सुबह में, शाम में, दोपहर में। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है, आपको चावल नहीं खाना है और ना ही कोल्ड ड्रिंक पीना है और ना ही ज़्यादा ठंडा पानी पीना है आपको। इन सारी चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखिए कि ठंडी चीज़ों का आपको बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि कुछ लोग फ्रिज का पानी पीते हैं जिनके कारण उनको खांसी आने लगती है या फिर बहुत ठंडे पानी से नहा लेते हैं के कारण उनको सर्दी जुकाम हो जाता है और उसके बाद में सर्दी जुकाम ठीक होता है तो उनको सूखी खांसी आने लगती है। तो उस केस में आप इन सारी चीज़ों से परहेज करिए। आप तो ना तो ठंडा चीज़ चावल खाइए और ना ही आप ठंडे पानी से नहाइए जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा हो, बहुत देर से रखा हुआ हो। अब ठंडी का मौसम स्टार्ट होने वाला है तो क्या होगा, जैसे आप पानी भर के रख देते हैं तो वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो उससे अगर आप नहा लेते हैं तो उस केस में आपकी जो तबीयत है वो बिगड़ने लगती है। आपको पहले जुखाम होता है, जुखाम ठीक होता है, फिर आपको सूखी खांसी आने लगती है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ठंडी चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें अगर आपको खांसी आ रही है या फिर आपको दवा संबंधित कोई भी समस्या है। तो दोस्तों जो रेस्पायरा प्लेन आता है उसका प्राइस है 25 रुपये के करीब में, लगभग 24 रुपये 50 पैसे, लेकिन जो रेस्पायरा डी सिरप है इसका प्राइस पड़ेगा आपको 70 रुपये, क्योंकि ये जो सिरप है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है और काफ़ी ये अच्छा वर्क करता है। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके फार्मूले की। तो पहला इसमें फार्मूला डाला गया है जो है डेक्सोन मेथारफेन हाइड्रोक्लोराइड, और जो तीसरा दूसरा फार्मूला डाला गया है क्लोरफेनरावाइन डाला गया है। दो फार्मूले इसमें मेंशन किए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं अगर आपको खांसी आ रही है तो, सूखी खांसी आ रही है तो। अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है तो उसके इसमें आप टोरेक्स टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं, टोरेक्स के साथ में आप कोप का या लीकोप का प्रयोग कर सकते हैं और उसके साथ में किसी एंटीबायोटिक का और एक पेन किलर आपको लेना है। तो आपका टोरेक्स हो गया, आपका लीकोप हो गया और आपका पेन किलर हो गया। पेन किलर में आप कोई भी दवा ले लीजिए जिसमें निमोसलाइड पैरासीटामॉल हो या फिर डाइक्लोफिनेक पैरासीटामॉल हो, जैसे आपका ऑक्सालजिन डीपी हो गया, इसमें आपका डाइक्लोफिनेक सोडियम और पैरासीटामॉल होता है, तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। ऑक्सालजिन डीपी टैबलेट का, टोरेक्स टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं, लीकोप का प्रयोग कर सकते हैं, एक साथ में प्रयोग करना है आपको, इसका प्रयोग आप करिए। और किसी एंटीबायोटिक का, एंटीबायोटिक में आपका जनफ्लाग 200 हो सकता है, अल्थोसिन 250 हो सकता है या फिर जीपू 200 हो सकता है, महासेप 200 हो सकता है, इनमें से कोई भी एंटीबायोटिक आप ले लीजिए, चाहे जीपी हो, महासेप हो या फिर आपका जनफ्लाक 200 हो, इनमें से कोई एक प्रोडक्ट को आप ले लीजिए एंटीबायोटिक को, उसके साथ साथ में पेन किलर ले लीजिए और लीकोप और टोरेक्स टैबलेट को ले लीजिए। आपको सुबह शाम खाना है और जो रेस्पायरा डी सिरप है इसका आपको प्रयोग दो टाइम करना है। तो इसमें डेक्सटोर मेथारफेन की मात्रा डाली गई है वो है 10 mg और जो आपका क्लोरफेनरामाइन की मात्रा डाली गई है 2 mg डाली गई है। बात कर लेते हैं किस तरह से इसका प्रयोग करना है और किस उम्र के लोग कितना कितना प्रयोग करें। तो अगर आपका बच्चा जो है वो 8 साल से ऊपर का है तो उसे आप 5 ml डोज दीजिए, 5 ml से थोड़ा सा ज़्यादा,
15 साल तक, और अगर आपका बच्चा 15 साल से ऊपर का है तो आप 10 ml उसे पिला सकते हैं। 15 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो इसे भर के एक ढक्कन पिए, 10 ml सुबह, 10 ml शाम, 10 ml दोपहर में, तीनों टाइम इसका प्रयोग करना है। और जो आपको दवा खानी है 2 टाइम खानी है, इससे आपको काफ़ी बेटर रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा और आपकी जो सूखी खांसी थी वो काफ़ी जल्दी शॉर्ट आउट हो जाएगी और काफ़ी जल्दी आपको रिलीफ देखने को मिलेगा। क्योंकि सूखी खांसी आती है तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, और वो खांसी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो लोगों को उल्टी भी हो जाती है, उनके पेट में दर्द होने लगता है। तो अगर आपको सूखी खांसी आना स्टार्ट हुई है तो आज ही जाइए आप अपने मेडिकल स्टोर पर, जो नियरेस्ट मेडिकल स्टोर हो वहाँ से आप रेस्पिराडी सिरप लीजिए, और वो जो दवाएँ हमने आपको बताई हैं उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, अक्सालजिन डीपी, टोरेक्स और लीकोप टैबलेट और प्लस आपका जेनफ्लॉक 200, इसका प्रयोग आपको सुबह काम करना है। अगर आपकी एज जो है 18 साल से ऊपर की है तो आप दवा का प्रयोग करिए, और अगर आप किसी बच्चे को दे रहे हैं जो कि 8 साल से लेकर 15 साल तक है तो केवल आप सिरप ही दीजिए, दवा का की जरूरत नहीं है, उसको दवा वो मत खिलाइएगा, केवल सिरप ही पिलाइएगा 7 ml तक। 8 साल से ऊपर के हैं तो 7 ml पिलाइए 15 सालों तक, और अगर 15 साल से लेकर जितने भी बूढ़े लोग हैं वो भी 10 ml सुबह, 10 ml शाम, 10 ml दोपहर में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो देख लीजिए इसका ओवरव्यू कैसे दिखता है। तो ये है रेस्पिराडी का आगे का ओवरव्यू, और इधर इसके फार्मूले लिखे गए हैं जो जिसमें डेक्सामेथासोन और क्लोरफेनिरामाइन डाला गया है, प्लस इधर इसकी MRP लिखी गई है और नीचे कंपनी की ब्रांडिंग की गई है, आप देख लीजिए। तो अगर आपको सूखी खांसी आती है, आपकी ठीक नहीं हो रही, आपने बहुत सारे दवाओं का प्रयोग कर लिया है, तो आप इसका एक बार इसको आप परचेज करिए और प्रयोग करके देखिए कि इससे आपको कितना रिस्पांस मिलता है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे दवाएं आपको मिल जाएंगे अवेलेबल, लेकिन उनका रिस्पांस उतना खास नहीं होता है क्योंकि सभी दवाएं सभी को सूट नहीं करती हैं। कोरेक्स DX भी अच्छा होता है लेकिन वो सभी को सूट नहीं करता है, तो इसलिए जिनका कोरेक्स DX है या फिर जो अस्थाकाइन DX आता है, जिडेक्स सिरप आता है, ब्रोजिडेक्स तो आपका गिली खांसी के लिए आता है, बेड कप के लिए, लेकिन जो जिडेक्स आता है वो भी काफ़ी अच्छा काम करता है, लेकिन जो रेस्पिराडी है ये पेटेंट है और ये बहुत अच्छा वर्क करता है सभी सिरप्सों से, जितने सारे सिरप आते हैं खांसी के उनसे सबसे बेटर होता है रेस्पिराडी आपका। तो अगर आपको सूखी खांसी आ रही है तो उस केस में अगर आप रेस्पिराडी सिरप का प्रयोग करते हैं तो काफ़ी बेटर रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो उस केस में आप अपने डॉक्टर से सलाह ले लें, उसके बाद में आप रेस्पिराडी सिरप का प्रयोग करें ताकि आपको बेटर से बेटर रिस्पॉन्स मिल सके बिना किसी नुकसान के। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा, और अगर इस वीडियो में कुछ रह गया हो, जो जानकारी हमने आपसे ना शेयर की हो, तो आप कमेंट करिए और कमेंट करके हमसे पूछिए, मैं कमेंट का उत्तर देने की आपको जरूर कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखिएगा।